राजस्थान के करौली जिले की जूड़े बनाने की हस्तकला इतनी प्रसिद्ध है कि दूर दराज के राज्यों तक प्रचलित है। प्रत्येक महिला अपने सुहाग व सुंदरता के लिए लाख का कंगन पहनती है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि कौन लोग हैं लाख की चुनिया बनाने वाले और इनको कौन सी बीमारी होती है। आइए आज हम लोग यह देखें। राजस्थान में शादीशुदा महिलाएं ही लाख की चुनिया पहनती हैं। यहाँ पर गली गली में लाख की चूड़ियों से चमकती हुई दुकानें देखने को मिलेंगी। लाख की चूड़ी बनाने का काम मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। एक ही परिवार लाख की चूड़ी बनाने के काम में जुटा रहता है। आप सुबह से शाम तक लाख गलाते हो, जब क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आपको? परेशानी ये है कि उसमें पाउडर जो है, ये पत्थर से बना हुआ पेशों का पाउडर है, जो कि हमारे नाक में, मुंह में, सब में जाता है। इससे हमें काफ़ी परेशानियाँ हैं। अभी थोड़ी देर पहले चपड़ी भी छट के आ गई, जो जल गई होटल में। अब तक अगर जरा सी भी अगर नेगा चुभ गया तो फौरन जल जाती है, चपड़ी भी छट के आती। लाख गलाते समय लाख की दुआ से क्या क्या बीमारी हो सकती है? अस्थमा हो सकता है, दम घुटता है, सांस घुटता है, बोलने में परेशानी आती है, आवाज़ बैठ जाती है। इसके अलावा आँखों को भी हानिकारक होता है, शरीर के ऊपर कहीं लग जाता है तो उससे एलर्जी पैदा हो सकती है। लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए उसको लाख की दुआ से होने वाली बीमारियों के बारे में पता नहीं होता है। जैसे हम दिन भर हम लगे रहते हैं, हमारा परिवार लगा रहता है इसमें काम में, लेकिन इसमें जो मेहनत है, जो मजदूरी है, हमको वो पूरी मिल नहीं पाती। इन बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? इसका बेहतर तरीका यह है कि एक ऐसी चिमनी बनाई जाए कि जिसका धुआं ऊपर आसमान को लग कर की जाए। इस काम को करने वाले और आसपास के रहने वाले लोगों के लिए सावधान इस बात से रहना चाहिए कि नाक को बंद रखा जाए कपड़े के जरिए और मुंह को भी ढककर रखा जाए, आंखों को इसके भाप से बचाया जाए। राजस्थान के करौली जिले की लाख की चूड़ियाँ लाखों की कवायद में महिलाएं पहनती हैं और सामाजिक आस्था को बनाए रखने वाली हस्तकला से गरीब परिवार को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। सुनीता कसेरा, इंडिया नाट के लिए।